Present teacher. Hello students, how are you? I hope you are doing well. हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे. The name is adjective. क्या नाम है? Adjective. आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में इसके बारे में. हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? One by one. क्या है डिफिनेशन इसका? An adjective is a word that is used to describe or qualify a noun or a pronoun. क्या मतलब हुआ? Adjective का यूज किस लिए करते हैं? Describe करने के लिए, बताने के लिए कुछ. किसके बारे में? Noun या pronoun के बारे में बताने के लिए. क्या बताएगा? कुछ quality बताएगा, कैसा है, ठीक है, अच्छा है, खराब है, etc. तो वो क्या होगा? जो भी चीज बताएगा नाउन या प्रोनाउन के बारे में, गुण बताएगा, क्वालिटी बताएगा, डिस्क्राइब करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एन एडजेक्टिव. ओके, एग्जांपल देखते हैं. कोलकाता इज अ ब्यूटीफुल सिटी. कोलकाता एक सुंदर शहर है. अब यहाँ पे बताइए ये ब्यूटीफुल जो है ये क्या कर रहा है? कोलकाता के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है, ठीक है. कोलकाता के बारे में ये बता रहा है कि कैसा है सिटी, ब्यूटीफुल है, ठीक है. क्वालिटी बता रहा है इस सिटी का, ठीक है. तो ये क्या हो गया? ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव हो गया. फाइन. नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रिया है अ रेड पेन. पेन तो है लेकिन कैसा पेन है? पेन के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है? पेन के बारे में क्या बताया जा रहा है? पेन कैसा है? पेन का गुण क्या है? तो रेड है. तो ये जो भी चीज है, गुण बताया जाए, डिस्क्राइब किया जाए, ठीक है, क्वालिटी बताया जाए, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे. किसका क्वालिटी? किसी नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है. कितने टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव्स के? 7 टाइप्स. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके, कौन कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड द लास्ट वन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. गॉट इट? हम लोग वन बाय वन देखेंगे. फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्या होता है? एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन. क्या बताता है? क्वालिटी बताता है. किसका? पर्सन, प्लेस, थिंग का. इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्या मतलब हुआ ये? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? ये क्वालिटी बताएगा. जैसा कि नाम है क्वालिटी, तो क्वालिटी बताएगा. ओके, और ये क्वालिटी बताएगा किसका? पर्सन, प्लेस या थिंग का क्वालिटी बताता है. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. मुफीदा इज वियरिंग रेड शूज. मुफीदा लाल शूज पहन रही है. अब यहां पे बताइए शूज जो है ये तो नाउन है, और इसकी क्वालिटी क्या है? इसकी क्वालिटी क्या है? रेड है. गॉट इट? इसकी क्वालिटी रेड है. अब यहां पे रेड है तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया. क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है एक नाउन का. सेकंड एग्जांपल इज द जिराफ इज अ टॉल एनिमल. एनिमल कैसा है? टॉल है. क्वालिटी बता रहा है टॉल. ओके, तो ये क्या हो गया? टॉल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. गॉट इट? कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन सा है? उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन होगा व्हाट काइंड. कैसा? व्हाट काइंड क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर मिल जाएगा दैट विल बी आवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके, जैसे क्वेश्चन करते हैं व्हाट काइंड, कैसा. फर्स्ट एग्जांपल है मुफीदा इज वेयरिंग रेड शूज. कैसा शूज? कैसा शूज? व्हाट काइंड ऑफ शूज? तो क्या आंसर मिलेगा? रेड. तो रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया. जिराफ इज अ टॉल एनिमल. व्हाट काइंड ऑफ एनिमल? टॉल. तो क्या आंसर मिला? टॉल. तो क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके, तो यहाँ पे हम क्या समझे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पहचानना होगा. तो कैसे पहचानेंगे? व्हाट काइंड ऑफ का यूज करके
क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर मिलेगा वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, ठीक है। सेकंड वाले एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वहां क्वालिटी था यहाँ क्वांटिटी है, ओके। एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अस हाउ मच ऑफ अ थिंग, हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ड इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या मतलब है? ये एडजेक्टिव जो है बताता है कोई चीज कितनी है, कितनी मात्रा में है, उसकी मात्रा बताएगा, ठीक है, उसकी मात्रा बताएगा। एग्जाम्पल, देयर वाज इनफ वाटर फॉर एवरीवन टू ड्रिंक, सभी लोगों के पीने के लिए पानी बहुत है, काफी है। अब यहां पे बताइए ये इनफ क्या है, ये मात्रा बता रहा है, किसका बता रहा है, वाटर का, ठीक है, वाटर का मात्रा बताया ना, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया, गॉट इट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सेकंड एग्जांपल इज ही बोरोड सम मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से कुछ उधार लिया, ठीक है, कुछ पैसे उधार लिया। अब यहाँ पे क्वांटिटी क्या बता रहा है, सम, कुछ कुछ पैसे, सम मनी, ओके, तो यहाँ पे सम क्या है, अगेन क्वांटिटी बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। फाइन, एक नोट है, आंसर द क्वेश्चन हाउ मच टू फाइंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वेश्चन करो हाउ मच, क्या क्वेश्चन करेंगे, हाउ मच मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, और जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, गॉट इट। जैसे He borrowed some money from his friend. अब यहाँ पे बताइए how much money he borrowed from his friend? क्या आंसर मिलेगा? Sum. तो यहाँ पे sum क्या हो गया? Adjective of quantity हो गया. There was enough water for everyone to drink. How much water? कितना पानी? क्या आंसर मिला? Enough. तो क्या हो गया? Adjective of quantity. तो हम लोग क्या समझे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कैसे पहचानेंगे? हम लोग क्वेश्चन करेंगे हाउ मच, और जो आंसर मिल जाएगा वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, ओके। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अस द नंबर ऑफ थिंग्स और पर्सन, नंबर ऑफ थिंग्स और पर्सन, थिंग्स या पर्सन के संख्या को बताता है, क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ऑर्डर या उसका क्रम बताएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या बताएगा, या तो नंबर बताएगा या क्रम बताएगा, ऑफ पर्सन और थिंग इन अ सीरीज इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या बताएगा, या तो किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या बताएगा, संख्या बताएगा या उसका क्रम बताएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में बहुत विद्यार्थी हैं, मेनी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्लास में संख्या के कौन बता रहा है, संख्या कौन बता रहा है, बताइए, संख्या बता रहा है मेनी, बहुत बहुत विद्यार्थी, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्या हो गया, ये संख्या बता रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल इज मे, मे इज द फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर, मे जो है मई महीना, वो साल का पांचवा महीना होता है। अब मे जो है फिफ्थ मंथ है, यहां पे बताइए कौन सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यहाँ पे है फिफ्थ, क्यों, ये ऑर्डर बता रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो ये पांचवा है, ठीक है। तो जो भी एडजेक्टिव होगा जो या तो नंबर बताए, या तो नंबर बताए या उसका ऑर्डर बताए, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, गॉट इट। चलिए एक और एग्जाम्पल है, माई हैंड है फाइव फिंगर्स, मेरे हाथ में पांच अंगुलियां हैं। अब बताइए यहाँ पे
नंबर या ऑर्डर कौन बता रहा है? यहाँ पे ऑर्डर बता रहा है फाइव। तो ये फाइव क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। ओके गॉट इट। अब हम लोग यहाँ पे एक लिखते हैं नोट। यहाँ पे नोट क्या है, कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है किसी सेंटेंस में? तो इसके लिए क्या करेंगे, आंसर करेंगे। क्या करेंगे? आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी ठीक है, टू फाइंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या समझे? हाउ मेनी, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किस सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन सा है, उसके लिए पूछेंगे हाउ मेनी, कितना। हाउ मेनी मीन्स कितना, गॉट इट। जैसे एग्जांपल में है दिया आर सेवरल स्टूडेंट्स इन द क्लास, कितना विद्यार्थी है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, क्या आंसर मिलेगा? सेवरल या मेनी, आते हैं मेनी, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, क्या आंसर मिलेगा? मेनी। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेनी एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, ठीक है। माई हैंड हैज फाइव फिंगर्स, हाउ मेनी फिंगर्स योर हैंड हैज, क्या मिलेगा आंसर? फाइव। तो ये फाइव क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जो ऑर्डर पता है, ऑर्डर में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ टेंथ एटसेट्रा। ओके, तो क्या समझे हम लोग, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताता है कि किसी सेंटेंस में कितने, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ थिंग्स और पर्सन आर देयर, और व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द थिंग और पर्सन इन अ सीरीज ऑफ थिंग्स। ओके, तो ये था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है कार्डिनल्स और दूसरा होता है ऑर्डिनल्स, ठीक है। कार्डिनल्स किसको कहते हैं, ये बताता है कि पीपल और थिंग का क्या है, संख्या बताता है कार्डिनल्स। और ऑर्डिनल्स क्या बताता है, ये पीपल और थिंग का ऑर्डर बताता है। सेम चीज है, बस अलग अलग नाम दिया गया है इन दोनों के लिए। कार्डिनल जैसे 1 2 3 4 5 दीज ऑल आर कार्डिनल्स, गिनती की संख्या को हम लोग कार्डिनल्स कहते हैं, ठीक है। और क्रम ऑर्डर, ऑर्डर को हम लोग और क्या कहते हैं, क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनल्स। जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड टेंथ ट्वेंटीथ थर्टीथ। ओके, तो ये था हम लोग सेवन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में से थ्री टाइप हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आगे हम लोग बचा हुआ फोर टाइप देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।